आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र मीठे नाम में जय मसीह की हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें दिन गिनने का अवसर दिया और इस दिन में हम अपने दिन को गिन सके और उस जीते परमेश्वर की महिमा कर सके। भजन संहिता की पुस्तक उसका 143 अध्याय और उसका पहला पद कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। हाँ प्रभु, हमारी पुकार को, हमारी गिड़गिड़ाहट को, हमारी हर एक बातों को प्रभु सुनता है। तो क्यों ना हम आइए प्रभु में होकर के अपने आप को प्रभु के कदमों में रखें और प्रभु को हम धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें, अपने अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु के चरणों में नतमस्तक कर प्रभु को ऊंचा उठाएं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र कदमों के पास, आपके पवित्र सिंहासन के करीब आने का हियाव करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु जी अपने पवित्र नाम के कारण हमें यह मौका दिया कि हम आपकी पवित्रता में शामिल हों। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हम जो मनुष्य इस योग्य नहीं थे आपने हमें योग्य बनाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो आपने हमें उद्धार से आशीषों से नवाजा है। ऐ खुदावन, अपने आप को हम आपके चरणों में डालते हैं, क्योंकि आप हमारी पुकार, हमारी सुन गिड़गिड़ाहट को सुनते हैं और हमें हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ इस समय आगरा मसीह मंडली के साथ हो करके आपने हमें अवसर दिया कि हम इस पेज में शरीक हो, और जितने भाई बहन इस पेज में शरीक होते हैं प्रभु जी उन सब को आप नाम बना आशीष देवे, हर एक के घर और घराने को आप आशीषित करे, हर एक लोगों को प्रभु जी आप अपना बल और सामर्थ प्रदान दे ताकि वो उकाबों की नाई उड़ते जाए और प्रभु जी आप में लीन होते जाए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमारा पुकारना, हमारा आपको दुहाई देना, हमारा आपको भजना भावता और बलिदानी हो सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिया है। हालेलुया। ओ प्रभु जी हमसे दूर ना करना, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य के घेरे में रखना, हमारे अपवित्रता को दूर करना, हमें ज्ञान बुद्धि से मामूर करना। ओ राजाओं के राजा, आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आप जो महान पराक्रमी और विलंब से कोप करने वाले हैं प्रभु जी, हमारी ओर कान लगाएं और हमें आशीषित करें। आदर महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी इस विनती को, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नासर के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु का। आइए हम मिलकर के प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि प्रभु जब हमको अपने साथ ऊंचा उठाता है हमारा पहला कर्तव्य है कि हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। आइए प्रार्थना के साथ भाव में इस गीत को गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे। है छुटकारा आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना।
कितना सारे ओ अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए करुणा हम सब पर निरंतर बनी रहती है। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने आज का दिन आज का पल और ये समय आपको और मुझको दिया कि हम उस जिंदा खुदावन की महिमा कर सकें। एक छोटी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई सारा अल्फ्रेड करेगा। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़ें और परमेश्वर पिता की ओर चलें। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं। आपने हमें संभाले रखा, आपने हमें सवेरे की भोर से लेके अभी तक का आपने हमें संभाले रखा। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें आशीषित किया कि एक बार और मौका दिया कि हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करने वाले बन सकें। जहाँ तक आपकी वचन ना पहुँच सकी, वहाँ तक हम आपकी वचन पहुँचाने वाले बन सके। yes, आपने हमें इस योग बनाया कि हम आपकी प्रशंसा करने वाले बन सके। हम इस मीटिंग में हम इस प्रेयर मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि अभी जो हम आगे सीखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो हमारे मन में हमारे हृदय में बसने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त जो लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके संग और साथ होना, उनके जीवन में हमेशा उनकी मदद करना। वो कभी भी परेशानी में आए तो उनकी आप मदद करना। हम धन्यवाद देते हैं हर घर आप परमेश्वर पिता अपनी करुणा को उंडेलना, अपनी पवित्र आत्मा को भेजना ताकि वो वहाँ करें खुशियाँ फैलाने वाले बन सके। आपके दूतों को भी भेजना ताकि वो इस पूरे पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं उनको आशीषित करने वाले बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कुछ बोलो। आइए हम परमेश्वर पिता की संगति में एक गीत और गा लेंगे और गीत का बोल है योग्य केवल तू। आइए प्रार्थना के भाव से हम एक गीत गा लेंगे, योग्य केवल तू, पवित्र केवल तू, आदर और महिमा की योग्य केवल तू। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू,
योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीजस, धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपने जो ये अवसर दिया है कि हम आपके कदमों के पास आकर आपकी महिमा करें, हम आपने जो ये अवसर दिया है प्रभु जी, हम इस पेज में शरीक होकर के आपके नाम को महिमा दें, आपके वचन को पढ़े, आपके वचन में मन लगाए, क्योंकि पता परमेश्वर आपने यही ठहराया कि जितने लोग वचन के चलाए चलते वही मेरे लोग है। ओ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करता हूँ खुदा बाप, क्योंकि आपने इस योग हमको बनाया है कि हम आपकी महिमा और स्तुति करें। हम तो इस योग्य नहीं थे प्रभु जी, हम आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, हम अपने इन तू छोटों से आपके पुकार भी नहीं सकते थे प्रभु जी, लेकिन खुदा बाप आपको यही चाहा कि अपने पुत्र के बलिदान से आप हमें अवसर देते हैं कि हम अपने जीवन को जाने सीखे परखे। आपने अपने पुत्र के लहू से हमें धोकर पाक और पवित्र किया है। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद 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 करता हूँ, धन्यवाद आदर और महिमा की ओ प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओ परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। सच में खुदा बाप महान है आप, हम मनुष्यों को प्रभु जी अपने योग्य बनाने के लिए, हम तुझ मनुष्यों को प्रभु जी अपने काबिल बनाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया प्रभु यीशु मसीह में होकर के, यहाँ तक कि आपने पवित्र आत्मा को हमारे हमें सौंप दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, यश लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। केवल तू सामर्थ्य, केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, जब हम आपके पवित्र कलाम में जाते हैं तो आप हमें अपने वेदी के अंगार से हमारे होठों को पाक और पवित्र कर, ताकि पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन को हम पढ़ सके, आपके पवित्र वचन की ओर मन लगा सके, आपके पवित्र वचन को हम देखने जानने सुनने और समझने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, आप उच्च में उठाए जाए, आपकी स्तुति। और प्रभु जी हमें यह अवसर आपने दिया कि हम अपने आप को आपके लिए खर्च करने वाले हो सके। आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, विनती ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद ईश्वर राज्य, धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पल को कि जो आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि हम उसके पवित्र वचन को, उसके पवित्र कलाम को हम अपने जीवन में महसूस करें, अपने जीवन में लागू करें और इसे हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर को यही भाया कि हम उसकी महिमा करें, परमेश्वर को यही भाया कि हम उसके साथ संगति करें, परमेश्वर को यही भाया कि हम उसके साथ साथ अपने समय को व्यतीत करें। आइए क्यों ना हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें, और निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार और उसका नौ अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका नौ अध्याय, और उसका हम इक्कीस पद से लेकर के हम चौबीस पद तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका नौ अध्याय और उसका 21 पद से लेकर के हम 24 पद तक पढ़ेंगे। पिता से पूछा, इसको यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर।
बहुत ही सुंदर शब्द है। परंतु ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। बहुत ही अच्छा शब्द और बहुत ही दिल छूने वाली बात। प्रभु यीशु मसीह उस बालक के दुष्ट ग्रस्त बच्चे के पिता से वार्तालाप कर रहे हैं और यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। और उसका पिता भी विचारने और सोचने वाली भाषा से बोला, यह क्या बात है। एक अलग से उसे लगने लगा कि मैं क्या बात है जिसे मैं कर रहा हूं, या क्या बात है जिसको मैं करने के लिए कहीं और जाना पड़ो, या मुझे और कोई किसी बातों का उपयोग करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और आगे के शब्द और ही बहुत सुंदर है। उसने उस बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, क्या बोलता है, मैं विश्वास करता हूँ उपाय कर। हालेलुया, ये है एक पिता का विश्वास, ये है एक पिता का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे, और कहता है कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय करते हैं। तो विश्वास के द्वारा हमको वो सब चीजें मिल जाती है जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास और भरोसे को उंडेल देते हैं, तो विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। विश्वास के द्वारा ही तो मेरे प्रभु प्रभु ने आपको और मुझको चुना है। यदि हम एक इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय निकालें, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका हम 32 और उसका 33 पद में बहुत ही अच्छा शब्द लिखा है प्रभु के वाणी। पौलुस कहता है, अब और क्या कहूं। विश्वास के विषय में पौलुस कहता है, अब मैं और क्या कहूं। पढ़ें क्या कहता है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और सिमसोन का और इप्ता का और दाऊद और सौमेल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। उन्होंने विश्वास के द्वारा क्या किया, राज्य जीते। उन्होंने विश्वास के धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की सिंहों के। ये है विश्वास, विश्वास के द्वारा। मेरे प्रियो, यही विश्वास तो आपको और मुझको क्या देता है, अनंत जीवन देता है। वचन क्या बोलता है, प्रेतों की काम की पुस्तक 6वां अध्याय, सॉरी प्रेतों की काम की पुस्तक 16वां अध्याय और उसका 30 पद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल। वो कहता है, हे साहिबो मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, हे साहिबो मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। वो दरोगा उन साहिबों के चरणों में गिर गया, अर्थात पौलुस और सिलास के चरणों में गिर गया और बोलता है, हे साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु के दासों ने कहा, उसे संभालते हुए उठाते हुए कहा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। यह है एक जो विश्वास के द्वारा प्राप्त करना। और ये वचन यहां पे भी हमको सिखला रहा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 और 24 पद, बहुत सुंदर शब्दों में वर्णित करते कहता है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आइए हम प्रभु के चरणों में बैठकर
पवित्र कलाम में नजरें लगाकर कुछ छोटी छोटी बातों को हम देखने का प्रयास करेंगे कि विश्वास के द्वारा, पहली बात, विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। विश्वास के द्वारा आप और मैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में विश्वास भर जाता है तब हम क्या करते हैं, अपना पहला कदम उठाते हैं। यहां पे एक पिता यही तो कह रहा है, मेरे विश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर कि मैं विश्वास करूं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल आप और मैं हैं कि आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो आगे बढ़ता है उसे अपना दाहिना हाथ देता है ताकि हम और आगे बढ़े। यदि आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 27, 28, 29 पद पढ़ते हैं, वहां पे पत्रस का बहुत ही सुंदर वर्णन है। जब पत्रस ने प्रभु यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, तब उसको देख कर कहता है कि प्रभु मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पे चलूं। आइए पढ़े 27 और 28 पद को पढ़ते हैं, 27, 28, 29 पद को पढ़ते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, हालेलुया, क्या करता है, उस पे प्रबल होता है, उस पे विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पे, और कहता है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। किस पे चलने की आज्ञा दे, पानी पर चलने की आज्ञा दे। और हम क्या देखते हैं 29 पद में, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पे से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यह है विश्वास, विश्वास के द्वारा आप और मैं आगे बढ़ते हैं। पतरस क्या कर रहा था, डर गया था, कहीं भूत तो नहीं, पतरस का मन विचलित हो गया था, कोई आ रहा है, पतरस के मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे थे। इसीलिए तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो क्या कर, मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलने लगूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पानी पर चलने लगा। ये है विश्वास के द्वारा आप और मैं आगे बढ़ते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, समय कोई सा भी हो, हमें डगमगाना नहीं। हमारा विश्वास जो जीते प्रभु यीशु मसीह पे है, हमें उसकी ओर ताकते रहना है, क्योंकि हमारा विश्वास कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमारी नजर प्रभु यीशु मसीह के पास रहना है। इसलिए वचन क्या कहता है, विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी और छोटी बात हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। विश्वास के द्वारा आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। जब हमारे अंदर विश्वास की प्रचुर मात्रा होगी, जब हमारे अंदर विश्वास कुट कुट के भरा होगा, तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, चाहे विपरीत परिस्थिति कोई सा भी हो। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना प्रारंभ किया तो कौन सी बातों से स्टार्ट किया, उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उसका विश्वास किस पे था, अपने जीते परमेश्वर पे था। उसका विश्वास किस पे था, अपने भेजने वाले पे था। उसका विश्वास किस पे था, अपने पिता पे था। तो जो हमारी प्राण की रक्षा करता है, जो प्रभु हमें अपने साथ रखता है, तो क्यों ना हम भी विश्वास के द्वारा अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले। आइए एक पद देखते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका पहला पद ही पढ़े। वहां पे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास आशा की हुई, हमारा विश्वास किस पे है,
उस प्रभु यीशु मसीह पे जिस पे आप और मैंने आशा रखा है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर है, उस जीवित प्रभु यीशु मसीह पे है और उस पवित्र आत्मा पे है जिसने हर पल हमें अपने आगोश में घेर के रखा है। और यही सच्ची बात है कि जब हम विश्वास करते हैं तब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं। विश्वास के द्वारा ही तो हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलना कितनी आनंद की बात है हमारे लिए। परमेश्वर इस वचन में ऐसे बहुत से विश्वास के उदाहरण रखे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर आगे चलते चले गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस पिता ने कहा मेरे अविश्वास का उपाय कर। इस पिता को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू विश्वास कर, विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। और उसे पिता ने अपने शब्दों में कहा कि विश्वास करता हूँ मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के द्वारा हम छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये छोटी छोटी बातें ये वो लोमड़ी नहीं है, छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो खेत को बर्बाद करती वो छोटी छोटी लोमड़ियाँ नहीं है। ये वो लोमड़ी, ये वो विश्वास है जो आपको थोड़ी थोड़ी करके प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ाती है। कभी कभी हम कहते ना एकाएक कूदने से पैरों में तकलीफ और पैरों का फिसलना हो सकता है। जब हम थोड़े थोड़े करके बटोरते हैं अपने विश्वास को तब हम ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम होगा दाऊद को परमेश्वर ने धीरे 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 करके राजपाट दिया था, एक साथ उसे साउल के हाथ से छीन के नहीं दे दिया था। इसलिए प्रियो परमेश्वर के वचन पे विश्वास और भरोसा करना अति आवश्यक है। अगली और तीसरी बात, छोटी बात हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रियो विश्वास के द्वारा ही इब्राहिम को परमेश्वर ने कौन सा देश दिया था, कनान दिया था। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तू अपने देश और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने उस देश के विषय में कोई योजना नहीं बनाया था, अब्राहम ने उस देश के विषय में कोई कल्पना नहीं की थी, ना तो परमेश्वर ने उसके सामने कोई चार्ट रख दिया था या कोई नक्शा बना दिया था इसके अनुसार से तुझको जाना है और इस दुख इन सुख से तुमको विस्मित होना है। नहीं, परमेश्वर ने कहा था अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता और अपने अपने घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और इब्राहिम क्या किया, परमेश्वर पिता पे विश्वास करके अपने कुटुंब अपने पिता अपने घर को छोड़कर जो उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे उन सब को लेकर कहाँ निकल गया, कनान को निकल गया और पहुंच भी गया। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 5वां पद। ये है विश्वास के द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें वो अनंत जीवन देता है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 3रा पद कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों के सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से मामूल किया है। हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो उसने हमें मसीह में अर्थात प्रभु यीशु मसीह पे, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या करता है स्वर्ग की हर एक आत्मिक आशीषों से हमें भर देता है, मामूर करता है, हमें दे देता है। प्रभु हमारा करुणा में परमेश्वर पिता है। कब, जब हम विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं।
यूहन्ना 3:16 आपके मुख पे बसा हुआ पद है और वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है ना, और जितने क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा ही आपको और मुझको परमेश्वर पिता ने क्या दिया, अनंत जीवन दिया। विश्वास के द्वारा, हमने कोई कर्म नहीं किया, हमने कोई परिश्रम नहीं किया, ना हमने अपने जीवन को लाल पीला किया, बस हमने क्या किया, यीशु मसीह पे क्या विश्वास किया। 36 पद को भी पढ़े, यूहन्ना 3 और उसका 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को न देखेगा परंतु परमेश्वर के क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया, बड़े ही आनंदमय वचन है, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को विस्मित करता है और आनंद से भर देता है और आपको और मुझको विश्वास के द्वारा अनंत जीवन देता है। इसलिए क्या, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसका क्या लिखा है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, विश्वास के द्वारा हमने पाया है, ना कोई कड़ी मेहनत किया, ना तो कोई बीज बोया, हमने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा आपको और मुझको क्या मिला, अनंत जीवन प्राप्त हुआ। अगली और छोटी बात हम देखेंगे, विश्वास के द्वारा उस पिता ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर, क्या कहता है, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए अगली चौथी बात हम देखेंगे, विश्वास के द्वारा आपको और मुझको, आपका और मेरा न्याय होगा। विश्वास ही के द्वारा आपका और मेरा क्या होगा, न्याय होगा, निर्णय होगा कि मैं इस योग्य हूं कि नहीं, मेरा विश्वास भारी है कि नहीं, मेरा पल्ला भारी है कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह पे कितना विश्वास करता हूं उसके अनुसार से आपको और मुझको क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको विश्वास के द्वारा न्याय देते हैं। कुरंथी पुस्तक में बहुत ही सुंदर वर्णन है, पहला कुरंथी उसका 5वां अध्याय और उसका हम 7-10 पद पढ़ें। पहला कुरंथ 5 अध्याय उसका 7-10 पद पढ़ें, वहाँ पे लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, अर्थात जो पुराने पाप हैं, अर्थात जो हमें प्रभु के ओर जाने से रोकते हैं, हमें विश्वास तो है लेकिन हमारा जो पाप, जो संसार में जो डूबा हुआ जीवन हमें बार बार विश्वास की ओर आगे बढ़ने के लिए रोकता है। क्या कहता है, पुराने खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा वांटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, या नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों, अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता है। मेरे प्रियो, ये है हमारा निर्णय। हमारा निर्णय कौन करेगा मालूम है ना, प्रभु यीशु मसीह करेगा। इसलिए हमें इन बुराइयों से, इन व्यभिचारियों से, लुचपन से, गलत कामों से अपने जीवन को क्या करना है, बाहर निकालना है, क्योंकि ऐसे लोगों को जगत से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है अपने आप को
इन बुराइयों से और दुष्टता की खमीर से बाहर निकालो, जो तुम्हारे विश्वास को क्या फफूंद लगा रहे हैं, जो तुम्हारे विश्वास को धीरे धीरे कीड़े खा रहे हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन सौंप दो। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका हम 7 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 7 पद, यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे और मुझसे बातें करते हुए कहता है, यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो क्या होगा? यही प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण होगा, जब हमारा प्रभु से आशीष को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्रभु द्वारा ही आपको और मुझको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, हमारा निर्णय होगा। यदि हम सही रीति से आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप और मैं प्रभु के धन्यवाद की संगति में विराजमान होंगे। यदि नहीं तो हम क्या होता है? बचता है। यदि हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है, यदि हमने प्रभु के वचन को अपने जीवन में बसाया है, तो आप और मैं अपने जीवन को बचाते हैं। आपको और मुझको यह ज्ञात है कि जब यहोशू ने दो जवानों को यरीहो की भेद लेने को क्या किया था, भेजा था, यहोशू 2 अध्याय में, तो उस राहब ने उन दोनों को यहोशू के भेजे हुए भेदियों को अपने घर में रोकने का क्या दिया? पना दिया, अपने घर में रोका और उसके जीवन को उन लोगों से बचा लिया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब वे लोग, जो राहब जो थी, उसने परमेश्वर के वचन पे भरोसा किया और उसने परमेश्वर के वचन की बड़ाई की और उसने परमेश्वर के वचन की महिमा भी की। यदि हम यहोशू उसका 2 अध्याय वहां पे पढ़ते हैं तो वहां बहुत अच्छे शब्द से उस राहब ने कहा, जब ये यरीहो की भेद लेने गए तो उसने कहा कि मैंने देखा है, मैंने सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर कैसे कैसे लोगों से विजय तुम्हें दिलाया है, कैसे उसने तुमको लाल समुद्र पार मिस्र से निकाला। यहाँ पे उसका 2 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने में के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक राजा योग और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर नीचे का पृथ्वी का परमेश्वर है। ये उस राहब वेश्य की क्या है? गवाही है। उसने परमेश्वर की कीर्ति को वर्णन की और परमेश्वर के दास ने कहा, जिस खिड़की से तूने हम लोगों को उतारा उस खिड़की में लाल डोरी बांध देना, ताकि जब हमारी भीड़, हमारी सेना यहां से जाए तो हम इसे देख के पहचान सके। ये है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में तो हमारा जीवन क्या होता है? बचता है। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 30 और 31 पद को पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 30 और 31 पद को पढ़ते हैं। वचन कहता है, विश्वास ही जब वे 7 तक उसका चक्कर लगा चुके तब वो गिर पड़ी। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने देता है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको जय देता है, ताकि हम अपने जीवन में कभी भी उस दौर से ना गुजरे जो हमें हानि हो।
हमारा प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें हर परिस्थिति में क्या करता है, जय देता है। हमारा प्रभु संसार में हमें क्या करता है, विजय देता है। प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करता है और इस संसार की लुभावनी वस्तु से हमें दूर करता है, इस संसार की बातों से हमें दूर करता है, ताकि हम इस संसार पे जय पाए। इस संसार में प्रभु ने तो जय पाया, अब हमें प्रभु की ओर आगे बढ़ते हुए जाना है। संसार में हमें क्या होता है, क्लेश होता है, संसार में हमें दुख मिलता है, संसार में हमें तकलीफ होती है, संसार के कार्यों से हमारा आत्मिक जीवन का पतन होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वह हमारा प्रभु हमें जय देता है, वह हमारा प्रभु हमारे विश्वास को आगे बढ़ाता है, वह हमारा प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, वह हमारा प्रभु हमें अनंत जीवन देता है, वह हमारा प्रभु हमारा न्याय करता है, वह हमारा प्रभु वचन के ग्रहण किए जाने से हमें बचाता है, वह हमारा प्रभु आज हमारे पास विश्वास के द्वारा आज हमारे पास प्रभु यीशु है। हालेलुया। आज यदि हम विश्वास ना करते तो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होता। वचन कहता है ना, आज इस घर में उद्धार आया है। क्यों? क्योंकि उस दरोगा ने विश्वास किया था, उस पिता से बातें की और पिता ने कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का उपाय इन छोटी छोटी क्या आज आपके पास यीशु नासरी है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास के द्वारा जयवंत होते हैं? ये हमें विचार करना है।